अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे मेरे भाइयों। और आज मैं आया हूँ, जुमेरात का दिन है, दो दरिया पे आया हूँ माशाल्लाह से। और आज हमारे बहुत अच्छे दोस्त बहरीन से आए हैं, तो उनकी मोहब्बत में आज मैं यहाँ दो दरिया पे आया हूँ। तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी हम यहाँ मौजूद हैं और अपने बहुत अच्छे दोस्त से भी मिलवाएंगे इंशाल्लाह, जो हमारे यूट्यूब फैमिली समझ लें, तो उसमें से हमारे से मुलाकात करी और आए अरशद भाई और बहुत अच्छा लगा। तो ये आए हुए मेरे साथ ही, तो मैं इनसे आपका ज़रा तारुफ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम शकील भाई, बस अल्लाह का करम है, खैरियत है, आप सुनाएं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आपको कैसा लगा हमारे साथ आके? बहुत अच्छा लगा भाई, बड़ी तारीफ़ें सुनी थी आपकी, तो हमारे ख्वाहिश थी कि एक दिन पाकिस्तान जाके ना आपके साथ ज़रूर जो है ना शिकार तो खेलेंगे। अभी आए हम लोग यहाँ पर, तो इंशाल्लाह जो भी अपने टैलेंट होंगे, जो अपनी कलाकारियाँ होंगे, अरशद भाई से शेयर करेंगे और इंशाल्लाह जो भी फ़न होगा हमारा उससे लुफ्तंदोस होएंगे और मज़ा करेंगे इंशाल्लाह। तो दिखाएंगे आज इनको मछली क्या लगती है, क्या होता है, क्या यानी जो टेक्निकें हैं हमारी जिससे मछली पकड़ते हैं, तो अरशद भाई आपको सब बताएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, फ़िशिंग शुरू करते हैं। तो पहले हम आटा बनाते हैं, आटा बनाने के बाद फिर हम इंशाल्लाह काले दंडिया का बेहतरीन शिकार खेलेंगे तो ये है कि इंशाल्लाह। और दूसरी डुग्गी की जगह भी है, तो वहाँ से डुग्गी में पकड़ता हूँ, तो वहाँ वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि बहुत मुश्किल होती है, नहीं तो मैं आपको वो भी लाइव दिखाई है, पहले की वीडियो भी मैंने आप लोगों को लाइव दिखाई, निकालते हुए दिखाई। तो इंशाल्लाह चलते हैं, आटा बनाते हैं, आटा बनाने के बाद फिर इंशाल्लाह फ़िशिंग शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जा रहे हैं, बादल भी बहुत हैं बादल। ये बताती थी छोटा मोटा था ब्लॉग है ये। पानी बड़ा मज़ेदार है भाई। पापा वो जा रहे हैं और वो शकील भाई जा रहे हैं सब में आगे। चलो मैं अभी बाद में मिलता हूँ जब हम जाएंगे, अब वहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ पहुँच गए समय हाल में। जगह बहुत ऊँची ऊँची है। पापा दोस्तों, अभी माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है और ये 3 किलो हम आटा लेकर आए और अभी आटा बना रहे हैं। और जो है इसके अंदर फ़िलहाल अभी हम कुछ भी नहीं मिला रहे हैं, तो बिगर मिलाए खेलेंगे इंशाल्लाह, बहुत बेहतरीन फिशिंग होगी इस पे भी। तो चलते हैं अभी इसको, आटे को बनाते हैं कंप्लीट, आपको दिखाते हैं। देखें आटा कितना ज़बरदस्त आटा है और गरम हो रहा है, गरम गरम चक्की का आटा, हाथ जल रहे हैं मेरे और इसको गूंदने में। और इतने सारे आटे को गूंदना आसान नहीं है क्योंकि घर में जो लेडीज़ गूंदती हैं तो वो किस तरह से गूंदती हैं वही जानती हैं। तो और इस पत्थर पे इस तरह से मैनेज करना, अपने सेटिंग को बनाना, और आटे को जो है ना आपने ज़्यादा सख्त नहीं करना है, ज़्यादा सख्त करेंगे तब भी मच्छी सही फिट नहीं होगा आपसे, और ज़्यादा नरम करेंगे तो कांटे से निकल जाएगा, तो दरमियाना रखना है आपने आटा। तो चलते हैं आटा बनाते हैं फिर आपको कंप्लीट। दोस्तों अभी ये देखें, ये डुग्गी लगी है और इसको छोटी कहते हैं, और बारिश तेज़ हो चुकी है इस वक्त, दो दरिया पे मौजूद हैं। और ये देखें, और ये मुर्गी की आंत के ऊपर लगी है, कभी भी नहीं लगती है, लोग कहते हैं कि यार ये कैसे लगती है, अंधी धूप पर लग गई है मुर्गी की आंत पे, और बारिश तेज़ हो चुकी है, दो दरिया पे मौजूद हैं आज अभी हम लोग यहाँ पे, और अभी हम लोग भीग चुके हैं बुरी तरीके से और आपको नज़ारे दिखा रहे हैं। ओके आगे चलते हैं, फिर वीडियो बाद में बनाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छी रिपोर्ट आएगी। अभी तकरीबन मैंने 3 दाने मार दिए, जिसमें 2 डुग्गी मारे हैं, 1 काला धंधिया मारा है। अच्छा, तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं खुफिया जगहें, तो उन जगहों पे क्या के मछली पकड़ लेना बहुत बड़ी बात है, वीडियो तो दूर की बात है, तो इसलिए मछली पकड़ते हम
और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, क्योंकि देखो जो जगह होती हैं जहाँ दिखाने की तो वो हमें दिखाता भी हूँ। तो अभी अरशद भाई साथ ही बैठे हुए मेरे, तो ये खुद देखेंगे और खुद बताएंगे कि कितनी मछली मारी, क्या किया। अभी तक तो 3 दाने मारे आगे। तो दोस्तों अभी हम जगह चेंज कर रहे हैं, हमारे अरशद भाई ने बहुत माशाल्लाह बेहतरीन शिकार किया और अब हम जा रहे हैं कुछ दूसरी जगह पे। शाम का टाइम है और आप देख सकते हैं नज़ारे दो दरिया के, और ये एहसन भाई भी साथ आए हुए हैं आज हमारे, और कश्तियाँ बस अब निकल गई हैं यहाँ से। अब्दुल बासित तो तारुफ में गया। अब्दुल बासित भाई, हमारे अब्दुल बासित भाई ने मारा है ये देखे खाना। और भाई ये कौन से चारे पे मारा है आपने? ये मैंने केचुए पे मारा है। केचुए पे मारा, आटे पे मारा ही नहीं है? वाह भाई वाह, शकील भाई के साथ आके और आपने केचुए पे मछली मारी है, बड़ी बात है। ऐसा सामने करें, वाह भाई वाह, वासित भाई ज़बरदस्त। दोस्तों ये देखो माशाल्लाह, अभी एक गाना लगा बुग्गी का, उसको मैं निकाली था। ये देखें तिगाने से मार रहा हूँ, क्या सेटिंग है देख लो। ये देख सकते हो 4 दाने मार दिए इस वक्त मैंने, और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन शिकार हो रहा है बुग्गी का। सही है ना, आपको और दिखाते हैं लाइव। तो ये तिगार है जिसपे मैं मार रहा हूँ। आपको ये देखो बेहतरीन, और ये मैं थैले में डाल लूँ, और माशाल्लाह टुकी भर के आया हुआ है, और मैं इंशाल्लाह इसको थैले में डालता हूँ। और बहुत मचलता है ये देखो, मैं थैले में डाल रहा हूँ मगर मचलता बहुत है, ये आता नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ निकालते हुए। ये कोशिश करता हूँ, ये पैर में रखो। और दोस्तों माशाल्लाह से जो आज हमारा फ़िशिंग जो हुई वही डुग्गी की हुई, दंदिया तो नहीं खा रहा था, कोशिशें बहुत करी, आटा भी बनाया जिसमें हमने, और आज हमारे मेहमान आए हुए थे, भाई हैं हमारे, और माशाल्लाह बेरिन से आए थे, बस इनको एक लाइव डुग्गी निकालते हुए मैंने दिखाया जो बात है। बाकी दंदिया की बहुत ट्राइयाँ करी, जिसमें एक ये दंदिया आया भाई, और बस बाकी सब डुग्गी का ही शिकार किया। वो ये देखें अभी तक दाना ज़िंदा है, ये देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा है कैसे सांस ले रहा है। ये देखें मुंह खोल रहा है, और ये तो मर गए बाकी। और बहुत मज़ा आया भाई आज माशाल्लाह, जो है भाई के साथ यानी गेट टुगेदर, और बहुत बेहतरीन यानी एक हमारी पिकनिक और पार्टी और फिशिंग बहुत बेहतरीन रही भाई, जिसमें बारिश के भी मज़े उड़ाए हमने, और माशाल्लाह से शिकार भी हुआ, तिगारे का शिकार किया, पानी मेला था, पानी साफ़ नहीं था, जो पानी होना चाहिए था दंदिये का वो नहीं था, हवा भी बहुत थी। तो फिर हवा तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं थी, बंद हो गई थी। अभी तकरीबन रात के 8 बज रहे होंगे ना, 8:30 का टाइम है, और 4 बजे हम लोग आए थे, और अभी वापसी रवानगी है हमारी, बस अल्लाह ताला ऐसी। अच्छा दोस्तों अभी हम कोरंगी 2 नंबर पे मटके वाली पुलिया पे बैठे हुए इधर माशाल्लाह से होटल पे, और ये हमारे अरशद भाई। हाँ भाई आज मज़ा आया हमारे साथ? क्या यार, हम तो हुआ होगा भाई, हमको तो कुछ नहीं मिला। अच्छा अच्छा, तो हमारा बेटा रहा। अच्छा कम से कम एक जो है ना वो कौन सा कबरदान मारा है, कबरदान और बस ये इस तरह की मछली। दंदिया भी तो मारा है यार, काला दंदिया मारा है। हाँ मसला ये पानी बहुत तेज था। आप बेरिन में जो खेलते थे वहाँ कैसा पानी होता था? तो पानी बिल्कुल ठहरा हुआ होता था। अच्छा सूखा हुआ पानी। अच्छा तो कौन सी मछली पकड़ते थे आप वहाँ पे? वहाँ पे डाटी, डाटी मछली। और चारा क्या लगाते थे? चारा हम लोग मुर्गी लगाते थे। मुर्गी लगाते थे भाई। और यहाँ पे जो है आपको दो दरिया पे शिकार करके कैसा लगा, यानी समझ में नहीं आया? बहुत आया, नहीं मज़ा आया, एंजॉय किया सारी बातें। अच्छा मज़ा आया, इंशाल्लाह फिर आएंगे शकील भाई के साथ। अच्छा शकील भाई को मार के भाई, ये अगर दंगिया ना भी लग रहा ना, तो ये अपना तिगारा चलाते हैं। हाँ और माशाल्लाह तिगारे पे मुझे तो मछली नजर नहीं आई, लेकिन शकील भाई फिर भी मार रहे थे माशाल्लाह। तो ये अपना फन है छोटा सा भाई, मार लेते हैं। हाँ तो अभी हम चाय पी रहे हैं भाइयों, तो इंशाल्लाह इसी तरह से आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहो शकील फिशिंग फन, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे आप लोगों को, तो बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो बस लाइक ज़रूर करना, और चैनल को नए बनते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। ओके अल्लाह।
आप भी दोस्तों।